बिजनेस मंत्रा के माध्यम से न्यू बिजनेस आइडिया देते हैं जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। आज हम जानकारी दे रहे हैं टिफिन सर्विस बिजनेस के बारे में। अकेले रहने वाले स्टूडेंट, बाहर से आने वाले नौकरी पेशा लोगों के पास समय की कमी होने की वजह से ऐसे लोग अच्छे टिफिन सर्विस की तलाश में रहते हैं। ऐसे में टिफिन सर्विस शुरू करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। टिफिन बिजनेस कैसे शुरू करना है? बिजनेस शुरू करने के लिए लगने वाली लागत और लाइसेंस, मार्केटिंग, पब्लिसिटी आदि के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो में बिजनेस को कैसे शुरू करना है और उससे संबंधित सभी जानकारी दी गई है। इसके बाद भी यदि कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिजनेस संबंधी जानकारी के लिए बिजनेस मंत्रा चैनल और ब्लॉग देखें। यहाँ 700 से अधिक बिजनेस के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो और ब्लॉग में बिजनेस से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी पुराने बिजनेस को ग्रो करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस मंत्रा से संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे टिफिन बिजनेस को कैसे शुरू करें। आप सभी जानते हैं टिफिन बिजनेस इजी और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन टिफिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। इसके पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टिफिन सेवा को किस तरह शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि टिफिन बिजनेस को कई तरह से किया जा सकता है। यदि आप टिफिन सर्विस को छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो इसे घर से शुरू कर सकते हैं। छोटे स्तर पर टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में एक दो मेंबर मिलते ही इस बिजनेस की शुरुआत कर दें। इसके लिए बाजार से लंबी चौड़ी खरीदारी करने की आवश्यकता भी नहीं है। बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट से 2-4 टिफिन ले आए। घर पर जो खाना परिवार वालों के लिए बनता है उसी में टिफिन सर्विस के मेंबरों के हिसाब से खाने की मात्रा को बढ़ा दे और उन्हें सप्लाई दे। यदि आप टिफिन सर्विस बिजनेस को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो काफी जगह की आवश्यकता होगी। जिस स्थान पर खाना बनाया जाएगा वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। आसपास गंदगी, गंदा नाला, कोई फैक्ट्री आदि नहीं होनी चाहिए। किचन में स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। खाना बनाने वाला किसी प्रकार के बड़े गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होना चाहिए। उसके मेडिकल रिपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। खाना बनाते वक्त खाना बनाने वाले अपने सिर पर कैप लगाएंगे तथा हाथ में दस्ताने का उपयोग करेंगे। खाने में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु खुले मार्केट से ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें वो मिलावटी ना हो। मसाले और तेल आदि एगमार्क वाले ही इस्तेमाल करना जरूरी है। टिफिन सर्विस बिजनेस को कैसे करेंगे? यदि आप टिफिन सर्विस बिजनेस में नए उतर रहे हैं तो इस बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से आपको समझना होगा। इसके लिए अपने एरिया में चलने वाले किसी टिफिन सेंटर में कस्टमर बनकर जाए। इससे उनके यहाँ कस्टमर के साथ किस तरह से डीलिंग की जाती है इस बारे में आपको पता चलेगा। वहाँ वेज और नॉन वेज का फुल मेनू के बारे में अच्छे से जानकारी ले। वहाँ टिफिन में कितने प्रकार की सब्जी देते हैं, कितनी रोटियाँ दी जाती है, चावल की मात्रा कितनी होती है, इनके साथ एक्स्ट्रा में दही, अचार, पापड़ और क्या दिया जाता है, इसका मंथली चार्ज कितना है, क्या उनके द्वारा कोई ऑफर भी चलाया जाता है, यदि हाँ तो ये ऑफर किस तरह का होता है। इन सभी बातों की जानकारी मिल जाने के बाद आप अपने टिफिन सर्विस का प्लान अच्छे से कर सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस में मेन्यू क्या होगा? टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करने से पहले मेन्यू क्या होना चाहिए इसका भी डिसीजन पहले ही ले लेना होगा, क्योंकि टिफिन सर्विस छोटे स्तर पर करें या बड़े स्तर पर इसे भी आप दो तरह से शुरू कर सकते हैं, वेज यानी शाकाहारी भोजन और नॉन वेज यानी मांसाहारी भोजन। आप चाहे तो टिफिन सर्विस में दोनों तरह की सर्विस दे सकते हैं। मेनू में आप क्या क्या देना चाहते हैं यह भी आपको डिसाइड करना है। यदि आप वेज भोजन दे रहे हैं तो उसमें सप्ताह के एक दिन स्पेशल खाना परोसे, त्यौहार के दिन कुछ स्पेशल बनाकर खिलाए। यदि आप नॉन वेज भोजन दे रहे हैं तो सप्ताह भर आप नॉन वेज भोजन दे सकते हैं या फिर सप्ताह में 3 या 4 दिन नॉन वेज भोजन दे। यदि दिन में नॉन वेज दे रहे हैं तो रात में वेज खाना दे सकते हैं,
या फिर दिन में वेज भोजन दे और रात में नॉन वेज भोजन परोसे। ये सब आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है ताकि कस्टमर को बताने में आसानी हो। टिफिन बिजनेस की पब्लिसिटी। यदि आप बड़े स्तर पर टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए मार्केटिंग के साथ साथ पब्लिसिटी की जरूरत होगी। पब्लिसिटी से एक समय में काफ़ी लोगों तक आप अपने बिजनेस के बारे में जानकारी पहुंचा सकते हैं। पब्लिसिटी के लिए पेपर में ऐड दे, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, ऑफिस, इंडस्ट्रियल एरिया में पोस्टर लगवाए, छोटे छोटे पंपलेट छपवाए। पंपलेट में मोबाइल नंबर व टिफिन का रेट जरूर लिखें ताकि लोगों को संपर्क करने में आसानी हो। टिफिन सर्विस की ऑनलाइन पब्लिसिटी भी करें। सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग के साथ अपने बिजनेस पेज बनाएं, उसमें टिफिन सर्विस के बारे में जानकारी दें। कस्टमर द्वारा टिफिन सर्विस के रिव्यू पब्लिश करें। डेली टिफिन में दिए जाने वाले खाने के फोटो पोस्ट करें। टिफिन सर्विस की मार्केटिंग कैसे करेंगे? टिफिन सर्विस की पब्लिसिटी के साथ साथ आपको मार्केटिंग की भी आवश्यकता होगी। मार्केटिंग के लिए आसपास के हॉस्टल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी पेशा लोगों से संपर्क करें। उन्हें टिफिन सर्विस की जानकारी दें। 2 दिन के लिए उन्हें फ्री टिफिन सप्लाई करें। कस्टमर बनाने के लिए उन्हें शुरुआत में कुछ ऑफर भी दे सकते हैं, जिससे प्रभावित होकर वे टिफिन सर्विस के लिए तैयार हो जाए। ऑनलाइन का जमाना है, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के लिए एक वेबसाइट और ऐप बनवाए। इसमें टिफिन सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दें। टिफिन सर्विस वेज है या नॉन वेज, इसका उल्लेख सबसे ऊपर हाईलाइट करें। टिफिन का चार्ज कितना है, उसमें दी जाने वाले खाने के फोटोग्राफ्स अपलोड करें। पंपलेट के द्वारा वेबसाइट और ऐप का लोकल में पब्लिसिटी करें। साथ ही सोशल मीडिया पर वेबसाइट का प्रमोशन करें। इसके लिए शहर के हैशटैग का इस्तेमाल करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस के लिए आईडी प्रूफ, जिसमें वोटर आईडी या आधार कार्ड में से किसी एक का होना अनिवार्य है। इनके अलावा राशन कार्ड, इलेक्ट्रिकल बिल, पासपोर्ट फोटो आदि की आवश्यकता होगी। गुमस्ता लाइसेंस और GST लाइसेंस लेना होगा। MSME के अंतर्गत उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यदि जगह आपकी है तो अच्छी बात है, यदि किराए पर है तो इसका किरायानामा भी चाहिए। टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इससे टिफिन सर्विस के लिए आवश्यक बर्तन और रॉ मटेरियल, पब्लिसिटी और मार्केटिंग पर खर्च होगा। इसमें किराया नहीं जोड़ा गया है क्योंकि किराया शहर और एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। टिफिन सर्विस में यदि आप अधिक स्वादिष्ट, मार्केट से सस्ता वैरायटी पेश कर सकते हैं तो आपको टिफिन बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको टिफिन सर्विस के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें व शेयर करें। यदि आप सस्ते में किसी भी प्रकार का वेबसाइट और ऐप बनवाना चाहते हैं तो गुडथिक इन्फोटेक से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर बिजनेस मंथा ब्लॉग पर मिल जाएगा। ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। गुड बाय, टेक केयर।